हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? पढ़ाई चल रही है? ठीक ठाक, बढ़िया। लिखिए, आज मैं कॉमर्स सब्जेक्ट में अकाउंट के बारे में, फाइनल अकाउंट जो मैंने आपको पढ़ाया था उसके बारे में कुछ आपको आज न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो मैंने आपको फाइनल अकाउंट पढ़ाया था क्लास 10th एज वेल एज 11th के बच्चों के लिए, मैंने पढ़ाया था अकाउंट, फाइनल अकाउंट। पहले फाइनल अकाउंट में मैंने आपको पढ़ाया था कि व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट, इसके सबके मैंने आपको परफॉर्मा आपको मैंने बता दिया। अब इस परफॉर्मा के मूर्त रूप देने के लिए, इसको ऑन द ब्लैक बोर्ड सॉल्व करने के लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, जिसके आधार पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तलपट की सहायता से व्यापार खाता, लाभ हानि खाता तथा चिट्ठा 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बनाइए। तीनों इसको बनाना, तीनों मैंने क्वेश्चन ले लिया, लाभ हानि खाता और व्यापारी खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा, इन तीनों का मैंने ले लिया। तो आप क्वेश्चन देखिए, पहले डेबिट साइड देखेंगे फिर क्रेडिट। पहले डेबिट साइड बताता हूँ, प्रारंभिक रहती है ओपनिंग स्टॉक, मजदूरी है, विक्रय वापसी, आगम धुलाई कहते हैं कैरेज इनवर्ड, निर्गम धुलाई, कैरेज आउटवर्ड, ट्रेड एक्सपेंसेस, कोल गैस तथा वाटर, छपाई तथा स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इंटरेस्ट रोकड़, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मतलब सैंडरी डेप्टर्स, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग्स, ड्राइंग एंड परचेज, इतना तो तलपट में कि आपको डेबिट में दिया हुआ है बैलेंस। अब क्रेडिट बैलेंस में आते हैं, सेल्स दिया हुआ है उसको विक्रय कहते हैं, क्रय वापसी, परचेज रिटर्न दिया हुआ है, लेनदार क्रेडिटर दिया हुआ है, लोन है, डिस्काउंट है, कैपिटल है, बिल्स पेबल है और तलपट के बाहर दिया हुआ है अंतिम रहती है क्लोजिंग स्टॉक। बच्चों एक चीज बताते हैं, ये हमेशा कंफ्यूजन में रहता है कि क्लोजिंग स्टॉक का कैसे ट्रीटमेंट करें हम। तो बहुत जरूरी है कि क्लोजिंग स्टॉक अगर तलपट के बाहर दिया गया है तो इसका ट्रीटमेंट हम व्यापारिक खाते में भी करेंगे और एज वेल एज इसका ट्रीटमेंट हम बैलेंस शीट में भी हम करेंगे, इन दोनों जगह हम करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये बच्चे हमेशा कंफ्यूजन में करके इसको कंफ्यूज करते कि इसको वेयर मेंशन इट, अगर इसका अगर दिया हुआ है तलपट के बाहर दिया हुआ है, तलपट के बाहर दिया हुआ है तो इसे हम व्यापारिक खाता में भी डालेंगे और एज वेल एज इसे हम बैलेंस शीट में डालेंगे। अगर तलपट के अंदर दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, टू बी नोटेड पॉइंट इज, अगर तलपट के अंदर दिया हुआ है इसे हम इसका सिर्फ ट्रीटमेंट में करते हैं, बैलेंस शीट में करते हैं और इसका हम व्यापारी खाते में एकदम नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसका ट्रीटमेंट व्यापारी खाते में हो चुका है, इसलिए इसको हम बैलेंस शीट में डालें। अब आइए इसके, अच्छा दूसरी चीज एक चीज और बताते हैं, जब क्वेश्चन पढ़िए, बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन पढ़ने के साथ उसके नेचर को पहचान लीजिए कि ये व्यापारी खाते का है मत या लाभ हानि खाते का है या चिट्ठे का। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें आसानी होगी। अगर व्यापारी खाता है तो ट्रेडी डाल दीजिए, शॉर्ट में मैं शॉर्ट बताता हूँ, उसके बाद अगर वो पीएल का है तो पी डाल दीजिए और अगर बैलेंस शीट का है तो बी डाल दीजिए। इसमें क्या होगा, उस मद को उस जगह ले जाने में आपको दिक्कत नहीं होगा, जिससे हमारे खाते कम समय में ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर, अब आइए बोर्ड पे, अब बोर्ड पे देखिए, मैंने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ट्रेडिंग अकाउंट का मैंने प्रोफार्मा अलग बनाया था, प्रॉफिट पीएल अकाउंट का अलग बनाया था, बैलेंस शीट का बनाए चुका अलग होता भी हुआ है। तो अब हम आपको यहाँ बताते हैं मिक्स कैसे बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमें बनाया, तो पहले हम आपको ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बताते हैं। देखिए यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, किताब में दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, प्रारंभिक रहतिया 2000 का मैंने नया मशीन कर। अब मेरा परचेज, परचेज भी देखिए किताब में दिया हुआ है कि
आपको परचेज भी कुछ आपने कुछ खरीदा है, ठीक है, परचेज करा है आपने, कितने का करा हुआ है परचेज, या आपको देखना है किताब में आपने परचेज किया हुआ है 41,665 रुपए। इसे फाइनल अकाउंट के उसमें नहीं दिखाते हैं, क्यों नहीं दिखाते है? उसका रीजन है कि अगर मान लीजिए कोई परचेज रिटर्न है, माल खराब हो गया या किसी कारण से माल को वापस करना होता है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालना होता है, इसलिए पहले उसका ट्रीटमेंट यहाँ पर करेंगे। परचेज रिटर्न देखिए, आपको इस डेबिट साइड पर दिया हुआ है 1,000 रुपए का, 1,000 रुपए का परचेज रिटर्न यहाँ दिया हुआ है, ठीक है बच्चों, 1,000 रुपए का परचेज। अब इस परचेज रिटर्न को हम 1,000 रुपए घटा के 40,665 रुपए यहाँ पर फाइनल अमाउंट के कॉलम में हम लिख देते हैं। अब देखिए वेजेस अगर यही दिया होता, सैलरी एंड वेजेस, तो आप इसमें नहीं डालते ये वेजेस, इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट ये आपके व्यापारिक खाता से मैन्युफैक्चरिंग होता है उससे जुटा हुआ है, इसलिए से यहाँ पर डाल दिया 3,450 रुपये। अब कैरेट इन वर्ड, कैरेट इन वर्ड, एक होता है कैरेट आउट वर्ड, इसको हिंदी में कहते हैं कैरेज आगम, ठीक है, और कैरेज निर्गम, दो वर्ड आता है आउटवर्ड और इनवर्ड, इस बात को ध्यान रखिएगा, आउटवर्ड, ठीक है, हमने यह लिखा है कैरेज इनवर्ड, इन मतलब क्या होता है आना, फैक्ट्री में आने में जो, ठीक है, जो हम आगम ढुलाई है, जो हमारे फैक्ट्री में आने के लिए हमारे जो खर्चे हुए हैं उसे कहते हैं कैरेज इनवर्ड, फैक्ट्री में आ रहा है, ठीक है। इसमें कोई अगर इसमें कोई क्लियरिटी नहीं है तो मैं बार बार कहता हूं, देखिए चुटा दूं आपसे, अकाउंट सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है कि नेचर ऑफ द क्या कहते हैं उसको एंट्री, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप कभी भी अकाउंट में मार नहीं खा सकते, तुरंत अप्लाई करेंगे और वो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए कैरेट इन वर्ड, इन मतलब आ रहा है, ये सीधे सीधे ट्रेडिंग अकाउंट से संबंधित है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लाया गया हुआ है, कैरेज इन वर्ड हो गया 500 रुपए। ओल गैस एंड वाटर, भाई प्रोडक्ट को बनाने में ही तो खर्चा हुआ है, ठीक है, यह हो गया ओल एंड गैस वाटर। अब यहाँ आइए इस साइड में, अब इसमें मैंने तलपट में देखा है कोई ऐसा मद नहीं है जो कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाए, तो आप सीधे यहाँ देखिए सेल्स बाय सेल्स, अब इधर आ जाएंगे हम, आपको क्रेडिट साइड में आएंगे तो बाय सेल्स 75,000 रुपए का है, सेल्स रिटर्न 2,000 रुपए का है, 74,800 जो है आपको 74,800 रुपए टोटल सेल हुआ, उसको हमने दिखा। अब यहाँ देखिए क्लोजिंग का तलपट के बाहर दिया हुआ है अंतिम रहती है क्लोजिंग का 1,500 रुपए दिया हुआ है, तो हमने आपको पहले बताया था इसका ट्रीटमेंट अगर बाहर दिया हुआ है तो इसको हम किसी भी हाल में दोनों जगह दिखाएंगे, अगर तलपट के अंदर दिया हुआ है तो बैलेंस शीट में, यहाँ तो मेंशन कर दिया। अब सेल देखिए ज्यादा है 76,350 रुपए, मैन्युफैक्चरिंग कम आया हुआ है, तो इस तरह से अगर सेल ज्यादा हुआ मैन्युफैक्चरिंग में कम पैसा लगा हुआ है तो ये प्रॉफिट हो गया 28,848 रुपए का आपको फायदा हुआ मेरे बच्चों, ठीक है, 28,848 रुपए का ये फायदा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, अब आइए इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, अब इसके मैं अब आपको बनाऊंगा, इसमें मिक्स बनाना है, ठीक है, मिक्स बनाना है तो बहुत जरूरी है कि इसके इस पर ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा बनेगा। अब यहाँ से हमने और भी मिटा देते हैं, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना पड़ेगा तो कहना पड़ेगा, है ना। अब आपको हम पढ़ा रहे हैं कि कैसे हम कैसे आपको ये ट्रेडिंग अकाउंट से पीआर अकाउंट हम बनाएंगे। अब देखिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है, मैंने आपको पहले ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा दिया, अब आपको पीआर पढ़ा रहे हैं, तो आप टू यहां करके लिखिए, पहले तो देखिए आपको बहुत जरूरी है डालना कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है, तो पहले यहाँ पर पहले यहाँ डालिए जो वहां आपको पर बाई, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट,
ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब इसे हम खींच के लाए हैं वहां से ब्राउट डाउन, कितना था इसमें ग्रॉस था हमारा 28,845, 28,845 रुपए का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था। अब आपको मैंने बताया था कि पीएल अकाउंट में वो मदें जाती है जो माल के बेचने में जो भी एक्सपेंसेस आता है उसको हम इसमें डालते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए टू पहले, अब चर्चा चेक करिए, उसमें पहला है कैरेज आउटवर्ड, टू कैरेज कैरेज आउट कैरेज आउटवर्ड आउटवर्ड कैरेज आउटवर्ड कितने हैं 395 रुपए। आप देखिए यहां पर ये कैरेज आउटवर्ड है, आउटवर्ड, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कैरेज आउटवर्ड हो गया ये 395 रुपए। कैरेज आउटवर्ड इनवर्ड, इनवर्ड क्या मैंने कहा था कि किसी माल रॉ मटेरियल को लाने के लिए फैक्ट्री को से कैरेज इनवर्ड कहते हैं। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड क्या है, कैरेज आउटवर्ड वो है जब माल प्रिपरेशन होने के माल को बेचने में जो लगाया जाता है कच्चा, उसे हम पीएल में ले जाते हैं, तो कैरेज आउटवर्ड। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप देखिए ट्रेड एक्सपेंसेस, टू ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस कुछ खर्चा हुआ है इसमें, आप देखिए 320 रुपए के ट्रेड को चलाने के लिए कोई खर्चे हो उसे ट्रेड एक्सपेंसेस करते हैं, टू। उसके बाद देखिए आएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितने खर्चे हुए हैं आपके 220 रुपए के भाई, जरूरी है कि माल के पैकिंग के लिए और कुछ मत आए होंगे हमारे पास, ठीक है, माल को सेल करने के लिए या माल के एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ ऐसा प्रिंट वर्क किया गया है जिससे वो खर्चा आएगा। दूसरा सवाल आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा हमारा इंटरेस्ट, कोई माल को रखने में हमें कोई इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है वो हमारे 190 रुपए का है, ठीक है। इतना टोटल मेरे प्रोडक्ट जो है खर्चे हुए हैं। अब उसके बाद बाय ग्रास है, उसका बाद कुछ और हमारी कमाई हुई है बाय डिस्काउंट, बाय डिस्काउंट कितने का खर्चा हुआ है आया है मेरे पास 150 रुपए का डिस्काउंट आया होगा, अच्छा उसको जोड़ेंगे कितना ही मत हमारे पास आए हैं, इसको बहुत जरूरी है ध्यान से जोड़िएगा, ठीक है। यहाँ टू ग्रॉस नहीं है सॉरी नेट, यहाँ नेट प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में ये चला जाएगा। अब यहां देखिए कितना आ रहा है 28,000, ये जोड़िए ये 28,000 आपका आएगा 28,995, 28,995 रुपए का जोड़ आता है यहाँ पर है, दोनों आएगा 28,995 रुपए का जोड़ आ रहा है। अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना हमारा आ गया 27,870 रुपए का, ये हमारा आपके यहाँ ये प्रॉफिट हमारा ये प्रॉफिट बने, ये जो है ये हमारे कैपिटल पार्टीज के जो पार्टनर्स होंगे उनके कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा और इसका ट्रीटमेंट हम बैलेंस शीट में करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर, यहां मैंने ग्रॉस निकाला, यहां पर नेट निकाल लिया। अब पार्टी को पता चल गया कि साल के आखिरी में मेरा क्या प्रॉफिट हुआ है, एग्जैक्ट प्रॉफिट से पता चलता है, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। ये मैं बार बार फिर दोहरा रहा हूं, कैरेज आउटवर्ड कैरेज इनवर्ड, इसको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। और मैंने पहले आपको मैंने बताया था कि तलपट देखते ही आपको पहले कैटेगराइजेशन करना है, कैटेगरी कर लेना है कि कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट का है, कौन सा पीएल का है, कौन सा बैलेंस शीट का है। इससे क्वेश्चन मैं शॉर्ट मार्क बता रहा हूं, इससे क्या होगा आपको
क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। अब आइए बच्चों मेरे, मैं आपको बैलेंस शीट कैसे बनता है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। बैलेंस शीट आपको पता ही है, बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं है, आपका बताया था पहले ही, बैलेंस शीट एक तरह से खाता नहीं है, बैलेंस शीट एक तरह से किसी भी व्यापारी का, व्यापारी प्रतिष्ठान का एक तरह से वो दर्पण होता है, ठीक है। अब यहां बता देंगे बैलेंस शीट, इसको शॉर्ट वर्ब कहते हैं, बी बाई एस भी लिख देते हैं, इसका मतलब समझिए कि एज ऑन 31st December, ये भी मार्च में ही बनेगा ऑब्वियसली, मार्च 2019, सरकार दिमाग में आ रहा आपको। आप लाइन खींचते हैं, एक चीज और मैंने आपसे कहा था कि बैलेंस शीट में उल्टा एंट्री हो जाता है, जो वहां डेबिट में होता है या क्रेडिट साइड में आ जाता है, जो वहां क्रेडिट होता है वहां डेबिट साइड में बैलेंस शीट में आ जाता है, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज अमाउंट, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा एसेट्स, संपत्तियां क्या क्या है, अमाउंट। अब हम फिर टूवर्ड्स क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन में क्या था इसको हम देखते हैं, ठीक है बेटा। अब पहला देखिए, बिल्स पेबल लाइबिलिटी सर, बिल्स पेबल कितने का है, 1000 रुपए का है। कोई ऐसा बिल्स है जो हमें पे करना है, लाइबिलिटी है ये, ध्यान रखिएगा, दायित्व तो है आपका ये, ठीक है। साल में जो आपने बिजनेस किया है, कोई बिल्स पेबल आया हुआ है, ये बाकी है आपको पेमेंट इस करना, लायबिलिटीज में आ जाता है। उसके बाद आता है दूसरा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने के हैं, 25630 के हैं, 25630 के क्रेडिटर्स हैं। ये तो समझ आ रहा क्रेडिटर्स क्या होता है, ये भी देना आपको पेमेंट किसी हाल में, इतना समझ आ रहा। उसके बाद आता है आपको लोन है, कोई आपने, कोई पार्टी ने लोन लिया हुआ है, उसका पेमेंट करना है, 8000 का लोन है, ठीक है, पार्टी के द्वारा लिया गया लोन है 8000 रुपए का। उसके बाद आ जाइए अब कैपिटल, कैपिटल, कैपिटल कितना पार्टी का, अब देखिए कहा कैपिटल पार्टी का 45000 का मेंशन किया हुआ इसमें, ठीक है, सॉरी 45000 का आपको कैपिटल पार्टी के पास, व्हेन ही हैज स्टार्टेड द बिजनेस दे हैव टू इन्वेस्ट इन 45000, है ना, इन रनिंग बिजनेस, उसने डाला था इतना। अब कैपिटल में से अब जब ऐड आपको दिखा होगा, मैंने पीएल अकाउंट बनाया तो प्रॉफिट आया था, तो इसमें ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड लिख देता हूं मैं यहां पर, कितना करेंगे इसका, कितना कैपिटल पड़ा, 27870 रुपए का उसको प्रॉफिट इस साल हुआ था, ये हो गया टोटल 72870 रुपए का इनका कैपिटल हो गया, ठीक है भाई। 45000 का इन्वेस्टमेंट करा था, 27870 रुपए इनकी एक साल में आमदनी हुई। अब इसको कैपिटल में वहां लिखा था ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, लिखा था, अब इसको कैपिटल में हम जोड़ देंगे तो ये टोटल अमाउंट देखा, टोटल अमाउंट जो है कैपिटल अब विद प्रॉफिट उनका 31st March 2019 को उनका इतना कैपिटल हो गया। अब इन्होंने कुछ आहरण करा, ड्राइंग कराया, तो ड्राइंग कराया है, लेस लेस करेंगे ड्राइंग, ड्राइंग ड्राइंग में क्या आ रहा है, लेस देखिए ड्राइंग किया हुआ 3000 रुपए का इन्होंने व्यक्तिगत व्यक्तिगत उपयोग के लिए सामान निकाला, जो भी करा वो आ जाएगा 870, है ना, उसके बाद आएगा 69, ठीक है। अब ड्राइंग में क्या क्या आ सकता है, हो सकता है कुछ अपना इंश्योरेंस जमा किया हो, कोई अपनी पॉलिसी जमी की हो,
या कुछ घर के खर्चे के लिए निकाला हो या कोई दान दिया हो अपने खाते से, ये सारे को हम ड्राइंग में ही कवर करते हैं और उनका जो मेन कैपिटल होगा उस कैपिटल में से उसको हम घटा देते हैं। ठीक है, अब हमारा ट्रीटमेंट लायबिलिटीज का हो गया, जो हमारी लायबिलिटीज है उसकी मैंने कर दी, जो दायित्व है। अब आइए एसेट्स क्या है उनके साल में 31 मार्च को उनका एसेट्स कितना बना ये हम लिखते हैं। अभी देखिए कैश इन बैंड्स भी दिया हुआ था, कैश कैश इन हैंड, कैश इन हैंड में देखिए कितना दिया बच्चों, 15,000 रुपए इनके पास हाथ में पड़े हुए हैं भाई एसेट्स ही है। कैश एट बैंक भी है कुछ है, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक में कितना 18 ये भी एसेट्स में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती है, ये भी इनके दोनों जो कैश है ना आपके हाथ में है वो भी आपका चालू है बैंक में भी, तो सारा एसेट पे तैयारी हो रही है। ठीक है, उसके बाद आता है, उसके बाद क्या है सैंड्री डेब्टर्स, सैंड्री डेब्टर्स कितने के हैं उसको मैंने 28,000 रुपए के सैंड्री डेब्टर्स बकायेदार है, ये तो मिलना ही मिलना है एसेट्स है ना, अभी डूबल थोड़ी है कोई, ये बैड डेब्ट थोड़ी डाउटफुल है, ये तो बैड डेब्ट में मिलेगा ही मिलेगा, तो ये भी आपके एसेट्स में ही आएगा। उसके बाद आएगा बच्चों क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितने का था आपको 1500 रुपए का। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अगर तलपट के बाहर दिया हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट दोनों जगह करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में भी करेंगे और बैलेंस शीट पे भी दिखाएंगे। ठीक है, अब यहां क्लोजिंग स्टॉक हो गया, उसका फर्नीचर, फर्नीचर देखिए आपको इन्होंने बनाया हुआ है 3,000 रुपए का फर्नीचर बनाया था भाई, जब आपने व्यापार शुरू करा तो जरूरी थोड़ी है कि हर साल फर्नीचर बदलेगा, ऐसा तो है नहीं, फर्नीचर अगर बनाया हुआ है तो फिर फर्नीचर आपको कई सालों में काम आएगा। फर्नीचर जैसे कोई ऑफिस बनाते हैं उसका डेकोरेशन करते हैं तो ऑफिस को चलाने के लिए कई सालों साल चलता है, हर साल इसको बदला जाए नहीं ना, तो भी एक एसेट्स आपको तैयार। ठीक है, अब उसका मशीन, मशीनरी, मशीनरी देखिए कितने का है, 11,000 का मशीन प्रोडक्शन के लिए, मशीन भी हमने बनाया है कुछ भाई, मशीन एक साल आएगा कई सालों का काम करता है, वो भी तो मेरा एसेट्स फिक्स एसेट्स में आ जाता है वो, है ना। अब उसके बाद देखिए बिल्डिंग, मशीन को चलाने के लिए या किसी और काम के लिए हमने बिल्डिंग बनाया हुआ है 28,000 रुपए बिल्डिंग बनाया है खर्चा हुआ, ये भी एसेट्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये भी एक तरह का एसेट्स हमारा हुआ। ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग बनाने के लिए उस मशीन के लिए या किसी लेबर के रहने के लिए हमने उसको बनाया हुआ है, वो भी मेरा एक तरह से एसेट्स हुआ, भविष्य में उसको बेच के कभी भी हम अपने फर्म में या कंपनी में हम उसको जोड़ सकते हैं। टोटल जोड़ देखिए होगा 1,04,000, 1,04,500। ठीक है, देखिए होगा 1,04,500। बच्चों इस बात का यहां देखिए कोड कर देते हैं इसको मोटे से, क्लोज हो गया ये। ठीक है बच्चों, एक बात का ध्यान रखना है, बैलेंस शीट का लायबिलिटीज और एसेट साइज दोनों बराबर आना चाहिए, तभी एक करेक्ट बैलेंस शीट होगा। अप डाउन होता है, इसमें कहीं ना कहीं किसी मत को आपने छोड़ा है या कहीं ना कहीं कुछ भूल गए हैं आप, है ना, या गलत एंट्री कर दिया। तो देखिए मैंने आपको बैलेंस शीट भी बनाना सिखा दिया। ठीक है, और PLN एक मैंने आपने कहा था आपसे पहले प्रोफार्मा बताएंगे उसको देखिए ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो मिक्स होगा। ठीक है बच्चों, तो ये सारा मैंने आपको आज फाइनल अकाउंट का फर्स्ट स्टेप जो होता है उसको मैंने आपको बताया, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, पेयर अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में आपको मैंने बता दिया, मोटा मोटा बताया हुआ है। अब आप अपने बुक से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा इसके आधार पर,
और मुझे लगता है कि अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखा होगा तो मैंने बहुत कोशिश करा है कि जो जो टिपिकल पॉइंट होता है मैंने उसका ट्रीटमेंट किया हुआ है, ठीक है। अगर ट्रीटमेंट को समझ में नहीं आता है तो आप एक बार नहीं दो बार नहीं मेरे बार बार वीडियो को देखिए, कहीं ना कहीं आपके हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा बच्चों, ठीक है। घबराइए नहीं, आप यू हैव टू टेकिंग द अटेम्प्ट वंस अगेन एंड वंस अगेन अगेन और अगेन। कोई ऐसा चीज नहीं होता है कि अगर उसे सॉल्व करने बैठे तो ना हो, एक आध बार नहीं होता, फेड अप होंगे छोड़ दीजिए फिर उसको बैठ के कहिए हो जाएगा। फॉर्मेट आपको मैंने टोटल लिखवाया हुआ है, फॉर्मेट को देखिए समझिए और नेक्स्ट चैप्टर में बेटा मैं आपको बच्चों पढ़ाऊंगा फाइनल अकाउंट विद द एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, ध्यान रखिएगा एडजस्टमेंट। बाय बेटा।